वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या ले रहे हो? हो गया रेडी कि रेडी नहीं हो गया? हम लोग श्रवण कर रहे थे। शरणागति कितने तरह का? छह तरह का है। पहला नंबर किया था दीनहीन भाव रहनी चाहिए। इसमें दीनहीन भाव में हम लोगों ने श्रवण किया था, कैसे हम अनादिकाल से भगवान से बिछड़ते हुए इस संसार में कितने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, गर्भ में आकर के कैसे कीड़े मकोड़े टाटी पेशाब का थली में रहते हैं, और कैसे जीव भगवान को पुकारता है हमें कि गर्भ से हमें निकालो, फिर कैसे जीव भगवान से प्रार्थना करके संसार में आते हैं, कि वो दैन्य है। फिर आत्मनिवेदन मतलब संपूर्ण रूप में भगवान का चरण में अपने आप को दे देना। उसके बाद तीसरा जो था गुप्त वर्णन तथा, मतलब भगवान हमें जरूर पालन करेंगे क्योंकि हम उनकी शरण में आए हैं। जब ये चिट्ठी से लेकर के एक ब्रह्मा तक भी भगवान पालन करते हैं, फिर हम उनको दिन रात भक्ति भजन करते हैं, क्या फिर ठाकुर जी हमें पालन नहीं करेंगे? इसलिए ये पूर्ण विश्वास होनी चाहिए भगवान को, भगवान हमें जरूर पालन करेंगे ठाकुर जी। अभी तक तो जितने भक्त लोग आए हैं सब भक्त लोगों को भगवान पालन, भगवान सब भक्त लोगों को पालन किया है ठाकुर जी, इसलिए हमें भी ठाकुर जी पालन करेंगे। अभी तीसरा क्या है? आत्मनिवेदन वर्ण फिर अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन, मतलब भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए, भगवान अवश्य ही हमें पालन करेंगे। एक तो अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, ये चीज के ऊपर में हमारे विश्वास होनी चाहिए। तब इसके ऊपर में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी एक श्लोक लिखते हैं, बोले एक न बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वचरण सकल छड़िया तुआ चरण कमाले बड़ी आचिया मीना तो तब पद पद्मनाथ रखी वे हमारे आर रक्षा करता नहीं हे बाबा संसार। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं बोले प्रभु भगवान अवश्य रक्षा करेंगे हम, लेकिन जो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे हमारे अंदर में ऐसे विश्वास क्यों हो रहा है भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, इसका कारण क्या? बोले कारण है बोले प्रभु आपका जो चरण है ना, अभी हमको समझ में आया आपका जो चरण में तीन चीज है अशोक अभय और अमृत, तुम्हारे चरण में हर समय ये तीन चीज रहता है, इसलिए मैंने जब आपका चरण में अशोक अभय अमृत है इसलिए हमने सारे भरोसा को छोड़ करके हैं, इसलिए तुम्हारे चरण कमल में हम तुम्हारी चरण कमल हम पड़ा रहा है, इसलिए प्रभु आपके सिवाय ये जगत में हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं, आपका पाद पद्म ही रक्षा करेगा, क्योंकि आपका जो पाद पद्म हमारी बात छोड़ दो तो ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्थ तो जिनकी चरण को शंकर जी भी शरण लिए, ब्रह्मा भी जिनकी चरण में शरण लिए, कहते तो माँ लक्ष्मी जिनकी चरण को हर समय दबाती हैं, और श्री अमरपति मतलब श्री इंद्र भी गणेश भी तुम्हारे चरण में हमारी बात छोड़ दो हैं, आप हमारी बात ये बड़े बड़े देवता लोग भी तुम्हारे चरणों को आश्रय लिए, जब उनको ही आप रक्षा करते हो तो हमें भी आप जरूर
रक्षा करेंगे। इसलिए अमिताभ नित दास जानी नो बार चला किया पता चला हम आपका ही नित्य दास है। इसलिए जब हम आपका ही नित्य दास है फिर हमारे पालन भार तो आपका ही है ना, और हम आपका चरण में समर्पित तो हो गया। बोलता हूँ तो तेरा ही नाम करता हूँ, करता हूँ तो तेरा ही सेवा करता हूँ, स्मरण करता हूँ तुम्हारे चरण की स्मरण करता हूँ, सर्वस्व मैंने सारे इंद्रियों से आपका चरण की चरण में हमने संपूर्ण शरणागति हो गए हैं। इसलिए कहते हे प्रभु मैंने जब स्वतंत्र जीवन था है? कहते भगवान के चरण जब हमारा पास स्वतंत्र जीवन था, स्वतंत्र मतलब जो इच्छा करो, जो इच्छा खाओ, जो इच्छा देखो है? अपना स्वतंत्र जो ये था, बोले प्रभु बड़ा दुख पाई आज स्वतंत्र जीवन ही बड़ा दुख हमने भोग किया। कहते तब सब दुख दूर हो गया चरण, लेकिन उस समय तो बड़ा दुख पाया लेकिन अभी हमारे सारे दुख चला गया। बोले क्यों? तुम्हारी शरण में आ गए, क्योंकि तुम्हारी शरण में अशोक अभय और अमृत ये तुम्हारे चरण में, ये तुम्हारे चरण कैसे है, क्यों तुम्हारे चरणों को हमने शरण क्यों ग्रहण किया, इसका कारण क्या है। बोले जे पद लगी यार तपस्या करी चरण में आकर के हमें सुख क्यों मिला, कारण क्या है। कर तुम्हारे चरण की इतनी दुर्लभता है, लक्ष्मी भी है तुम्हारे चरणों को पाने के लिए बैल बन में, अब देखे होंगे बैल बन गए होंगे, लक्ष्मी सब जगह में ऐसे हाथ करके बैठती है, अब बैल बन में जाओ हाथ जोड़ करके बैठे होंगे। इसलिए श्री नाग पत्नियां कहती है, नाग पत्नियां कहती है प्रभु हमारे पति कालिया ने ऐसी कौन सा तपस्या की है जो पद को चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंभु नारद तरसते हैं। लक्ष्मी जिस चरण को लेकर दिन भर गोद में बैठती है, लक्ष्मी जिस चरण को पाने के लिए उन्होंने वैकुंठ को भी छोड़ दिए, छोड़ करके और इसी मर्त्य जगत में आकर के बेल वन में इतने कठोर तपस्या कर रही है। हमारे पति ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया, वो आपका आप उनका सर पर चरण रखना चाह रहे जोर जबरदस्ती, लेकिन वो जोर जबरदस्ती हटा रहे, लेकिन आप क्या कर रहे जोर जबरदस्ती उसका सर पर चरण को रखने के लिए कोशिश कर रहे। बोले प्रभु हमारे पति कितने सौभाग्यवान है। इसलिए यहाँ कर कह रहे क्यों हमने ऐसे चरण को आश्रय क्यों लिया। बोले जब पद ला गया लक्ष्मी तपस्या कर ला, फिर जब पद पाया शिव शिवत तो लबिला। बोले शिव को इतना बड़ा पोस्ट क्यों मिला, इतने जय जयकार क्यों हो रहे हैं। बोले केवल तुम्हारी चरण की प्रभाव से। और ब्रह्मा भी जिस चरण को पा करके ब्रह्मा भी कृतकृत हो गया है, और जिस चरण को श्री नारद मुनि भी हर समय अपना हृदय में तुम्हारी चरण कमल को नारद भी हृदय में धारण करते हैं। सही से अभय पद सिरे ते धरिया संसार विपद है ते अवश्य उधार भक्ति विनद करिबे तुम्हार। ऐसे जो भगवान की जो अभय चरण कमल है हम अपना सर में धारण करते हुए हम बड़े प्रसन्न होकर के आपका गुणगान गा रहे हैं प्रभु जी। इसलिए आपका चरणों को अगर कोई आश्रय ग्रहण करेगा तो संसार का विपद से अवश्य ही वो उद्धार हो जाएगा। इसलिए श्री भक्त विनोद कहते हैं प्रभु आपका शरण में हमने शरण ग्रहण किया है। इसलिए भगवान को ऊपर में इसलिए भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, ये विश्वास हमारी होनी चाहिए। इसलिए दूसरे और एक कीर्तन में भक्तिमन ठाकुर कह रहे क्यों भगवान का शरण में हम क्यों जाए, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे विश्वास क्यों करें।
বলে তুমি তুমি তো মারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে তব ইচ্ছা বস ত্রিভুবন ব্রহ্মা আদি দেব গণ তব দাস অগণন করি তব আজ্ঞার পালন। এতে হম কেউ ভগবান কে উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে যে ভগবান হমে রক্ষা করেনে জরুর। বলে কারণ বলে প্রভু তুম জিসক রক্ষা করোগে না দুনিয়া মে কিসি হিম্মত নেই উসকো মার সকতে। হ্যাঁ কে যো বাল কে না বাল বঙ্কা না করে যো জগ বৈর হই যা কে রাখে সাইয়া মার সকে না কই যো জগ বৈর হই। হ্যাঁ যো ভগবান কি শরণ মে চলে গে দুনিয়া মে কই ভি উসকো মার নেই সকে হই। আর আপকি ইচ্ছা সে হি যো ত্রিভুবন হই কে তুমি ইচ্ছা মে হি সারে ত্রিভুবন মে সারে কাম তুমি ইচ্ছা সে হো কে ইহা তক ব্রহ্মাদি দেবগণ তব দাস গণ ব্রহ্মা ভি তুমি দাসত করতা হিসলে আপনা আজ্ঞা কো পালন করতা হি আর তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহ গণ অবিরত শুভ ফল जितने सारे ग्रह हैं किसकी इच्छा से चल रहा है बोले आपकी इच्छा से आपकी इच्छा से चल रहे हैं। इसलिए जितने ग्रह है जितना हम जीवन में जो अच्छा बुरा जो कर्म शुभ और अशुभ जो फल मिलता है बोले किसी की इच्छा से बोले तुम्हारी इच्छा से। इसलिए कहते ना जहाँ पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब। इसलिए हम लोग इधर उधर देवादेवी किसको पूजा नहीं करते हैं बोले क्यों बोले जब हम ठाकुर जी की शरण में आ गए ये जितने ग्रह हैं सब भगवान की इच्छा से ही ये सारे ग्रह काम कर रहे हैं उसकी इच्छा से। जब हम ठाकुर जी की शरण में आ गए ना जितने ग्रह है ना जो हमारे प्रतिकूल जाने वाले उल्टा सीधे जाने वाले जब ठाकुर का शरण में आ जाए वो ग्रह जो उल्टा चलने वाले वो सीधा हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता चलता भैया जब प्रभु की शरण में आए भैया वहाँ पर कोई काम मत करो कोई उल्टा पुल्टा नहीं था अपनी नौकरी जाएगी अपना हमारी नौकरी चली जाएगी इनको विरोध में मत चलो क्योंकि ठाकुर की शरण में ये सब के सब आए। इसलिए बोले रोग शोक मृत्यु और भय हैं कहते केवल तुम्हारी इच्छा में ही ये सब कुछ होता है। मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा में शोक भी तुम्हारी जो कुछ होता तुम्हारी इच्छा में तुम्हारी आज्ञा बलवान है तुम्हारी आज्ञा के ऊपर में कोई आज्ञा किसी को चलती नहीं। कहते तब इच्छा में ये वायु जो बहती है तुम्हारी इच्छा में सूर्य जो उदय हो रहे तुम्हारी इच्छा में अपना अपना तुम्हारी आदेश पर ही सबके सब ग्रह अपना अपना काम करते हैं। इसलिए बोले क्यों कहते तुम परमेश्वर हो हाँ तुम परम ब्रह्म परात्पर हो कहते तब वास भक्त अंतर कहते लेकिन आप परम ब्रह्म होकर के कहाँ निवास करते हो बोले भक्तों का हृदय में ही आपका निवास संतों का हृदय में आप निवास करते हो। इसलिए शुद्धा शुद्ध सिद्ध काम भक्त वत्सल नाम भक्त जनेर नित स्वामी तुमि त राखिबे जारे खेतारे मारिते पारे सकल विधिर विधि तुमी। इसलिए कह रहे हैं बोले हे प्रभु आपका एक नाम है भक्त वत्सल। यहाँ पर प्रश्न है ना क्यों भगवान की हम क्यों भगवान को विश्वास करें भगवान रक्षा करेंगे कारण क्या बोले कारण ही आप भक्तों के हृदय में आप निवास करते हो आपके अंदर में भगवान के बहुत सारे गुण हैं सारे गुण में जो सर्वश्रेष्ठ गुण भक्त वत्सल्य मतलब भगवान भक्तों का प्रेम में संपूर्ण वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए दुर्वासा जी के पास जब श्री वैकुंठ में गए दुर्वासा जी पहले ब्रह्मा के पास में गए रक्षा नहीं किया शंकर के पास में गए रक्षा नहीं किया जब विष्णु के पास में गए रक्षा करो भगवान बोले मैं तो भक्तों का अधीन हूँ मैं तो भक्तों का अधीन हूँ आपको किसी ने थोड़ी बताया भगवान भक्तों का अधीन बनो आपको तो कुछ किसी ने बताया नहीं आप तो खुद को खुद भक्तों का अधीन माने हो बोले बताओ इनके अधीन नहीं बनोगा तो किसके अधीन बनोगे
उन लोगों ने मेरे को पाने के लिए सार स्त्री पुत्र घर द्वार मकान सब ये मेरे लिए सब त्याग किए हुए सब के सब हैं। इतने में भगवान ने कहा देखो जो स्वभाव है ना वो मरने पर भी देखना स्वभाव नहीं जाता है। जो कोयला है ना कोयला जानते हो जैसे धोने पर वो कभी साफ नहीं होता क्योंकि पूरा के पूरा काला ही काला है। और उसी तरह जो स्वभाव है ना वो स्वभाव ऐसे एक वस्तु है स्वभाव दुस्ते जनात स्वभाव कोई नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन है किसी ना किसी तरह से उल्टा पुल्टा करेगा ही है तो जाकर उल्टा पुल्टा लास्ट में करेगा ही स्वभाव कोई नहीं छोड़ सकते। इसलिए भगवान कहते भैया ये जो मेरे जो स्वभाव है ना हाँ कहती भक्तों को रक्षा करना ये मेरे स्वभाव ही भक्तों को रक्षा करना है। इसलिए सब चीज को मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन अपना स्वभाव को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए भगवान के स्वभाव भक्त वत्सल भक्तों को रक्षा करना भगवान का स्वभाव है। इसलिए कहते आप किसकी स्वामी हो भक्तों का ही आप नित्य स्वामी हो प्रभु तुम जिसको ऊपर रक्षा करते हो ना जिसके ऊपर तेरे हाथ है दुनिया में कोई उसको नहीं मार सकते हैं सारा दुनिया में उसको कोई मार नहीं सकते हैं और तुम जिसको मारना चाहते हो ना सारा दुनिया में उसको कोई बचा भी नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि तुम जितने सारे विधियों का भी विधि है सारे विधियों का भी तुम विधि तुम हो इसलिए तुमार चरणी नाथ करियाची प्राणी पाथ भक्ति विनोद तब खास विपद हईते स्वामी अवश्य तहारे तुम्हें रखीबे तहार एवे श्वास हे प्रभु तुम्हारे चरण में हे नाथ तुम्हारे चरण में ही मैं प्रणिपात मतलब संपूर्ण रूप में तुम्हारे चरण में हम शरणागत हैं। और जो भक्त विनोद भक्ति ठाकुर कहते मैं तो आपका तुम्हारा दास हूँ इसलिए हे प्रभु जब मैं तुम्हारी दास हूँ अगर मेरे ऊपर में कोई विपत्ति आएगा तो उसको कौन रक्षा करेगा तुम्हें रक्षा करना पड़ेगा ना। मैं तो आज से तुम्हारी चरण में आ गया हूँ है चरण में आ गया हूँ इसलिए मेरे पूर्ण विश्वास है ठाकुर मेरे को रक्षा करेंगे ही मेरे को पूर्ण विश्वास। इसलिए रामायण में चौपाई बताए जन राखे महतारी बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया है जैसे भगवान जैसे बच्चे को जैसे महतारी एक उन्होंने शब्द प्रयोग किया महतारी होता है जो रास्ता में साफ करता है ना महतारानी होता है ना जो टाटी फाटी सब साफ करता है नाली काली साफ करता है। इसलिए वहां पर उदाहरण दिया है जैसे कि माँ है जैसे कि बच्चे को रक्षा करती है भगवान भी ऐसे अपना भक्तों को अपना संतान मान करके वैसे रक्षा करता है। जैसे देखना एक बच्चा खाने पीने का चिंता करता है नहीं वो खेलता कूदता मस्त रहता है कि उसको पता है पिताजी हमें मैया हमें रक्षा करेंगे वो चिंता नहीं करते। लेकिन पिता क्यों रक्षा करते हैं उसको कारण है उसको पता है ये बच्चा मेरे को छोड़कर और किसी को नहीं जानता है ये संपूर्ण रूप में मेरे ऊपर में ये आश्रित है इसलिए इसलिए लास्ट में जो अर्जुन जिस समय भीष्म आदि स्तुति कर रहे थे भगवान की स्तुति करते करते पितामह भीष्म उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग करते कहते प्रभु विजय सखे रतिमस्तु में अनबद्य कहते विजय मतलब होता है अर्जुन का एक नाम विजय उनका जो सखा कृष्ण है ऐसे विजय कृष्ण अर्जुन का जो सखा है कृष्ण इनके चरण में हमारे मति हो। पूछे भैया तुमने अर्जुन के सखा कृष्ण को शरण में क्यों बोले मति हो उनकी शरण में क्यों मति चाहते हो कहते भगवान इसलिए कह रहा हूँ मैंने स्वयं ये चीज को देखा है भगवान कितने बार ये अर्जुन को पांडवों को भगवान कितना बार रखा गया ये चीज को मैंने स्वयं देखा है अपना आंखों से देखा। बोले कब कब देखा बोले एक समय महाभारत युद्ध होते समय एक दिन दुर्योधन आया पितामह भीष्म के पास में और इतने गाली गलौज किया क्योंकि पितामह भीष्म ने की सेनापति पत्नी लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। बोले हमारा असली शत्रु तो पांडव है जब आप पांडवों को नहीं मारोगे अरे हमने आपको जो सेनापति पद में नियुक्त किया तो बेकार है असली शत्रु तो पांडव है और हम देख रहे हैं हाँ हम स्वयं देख रहे हैं
अर्जुन इतने सैनिकों को एक साथ में मारता है, ऐसे मारते जाता है, भीम क्या कर रहा है, 100 भाइयों को तो अकेला मारा उसने, कितने भाइयों को उसने हमारे मार डाले, और अर्जुन कितने शत्रु को हमारे मार रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, बेकार आपको हमने सेनापति पद नियुक्त कर दिया, जो ऐसे ताना मारे ना, बस आ गया ताव आ गया, किसको, पितामह भीष्म को ताव आ गया, कल पांडव समाप्त कर दूंगा, इनके लिए मैं 5 बाण बनाऊंगा, बस 5 बाण से इनको खत्म कर दो, कल से महाभारत समाप्त। अभी जितने पांडव लोग सो रहे, क्यों दिन भर युद्ध किया है, जब दिन भर युद्ध किया, युद्ध करते करते थक गए, फिर सबर उठकर फिर युद्ध करना पड़ेगा, सारा दिन युद्ध करना इतना आसानी नहीं, सबके सब एकदम घोर निद्रा में सो रहे, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही, कृष्ण को नींद नहीं आ रही, इधर से उधर चक्र काट रहे, उधर से उधर चक्र काट रहे, हैं इस चक्कर काट रही, नींद नहीं आ रही, बोले क्यों नहीं इतने आ रहे, नहीं आ रही, कारण क्या, बोले कारण है ये पांडव मेरे शरणागत है, इसलिए महाभारत युद्ध होने से पहले कुंती पांडवों को लेकर के आए और ला करके बोले कृष्ण मैंने ये अपना 5 बेटे को तेरे शरण में मैंने दे दिया, इनको तुम ही देखना, तो कृष्ण स्वयं कहते बोले बुआ जी सारा दुनिया विश्व ब्रह्मांड भले ध्वंस हो जाए, लेकिन ये पांडवों का एक बाल भी बनका होने वाला नहीं, क्योंकि इनको ये मेरे शरण में ना, ये मेरे शरण में। अभी भगवान स्वयं गीता में बोले कौंतेय प्रतिजानी नामे भक्त अपनी, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कहीं विनाश नहीं, भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करे अर्जुन को द्वारा है, हाँ बोले तुम ही प्रतिज्ञा करो मेरे से क्यों करवाते हो, बोले मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा किया हो, अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा करता ना मैं अपना प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ता, लेकिन अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है फिर उसको मैं कभी तोड़ता नहीं, इसलिए भगवान को चैन बेचैन भगवान का, हाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक को बेचैन, इधर से उधर इधर से उधर तुम प्लानिंग कर रहे, क्या किया जाए, पांडवों कैसे बचाया जाए, पांडवों कैसे बचाया जाए, प्लानिंग करते करते उनके दिमाग में प्लानिंग आया, हाँ बड़ा बहुत बढ़िया प्लानिंग आ गया, तो इतने में जाकर अर्जुन सो रहा था, अर्जुन को उठकर हिलाए, अर्जुन उठो अर्जुन उठो, बोले क्यों तंग कर रहे हो, सारा दिन युद्ध करते करते थक गया, हाँ थक गया युद्ध करते करते, सबर फिर उठकर युद्ध करना और तुम मेरे को जगा रहे हो, मेरे को जगा मत, मैं थक गया हूँ, हाँ देखो भगवान जगे हुए उनको नींद नहीं आ रही, लेकिन भक्त सोया हुआ, भक्त सोया हुआ, क्यों भक्त सोया हुआ, कारण है यही कारण है वो भगवान की चरण में शरण लेता, इसलिए वो अपना चिंता नहीं करते, जानते हैं हम तो उनकी शरण में है, वो चिंता वही करेगा, हम क्यों चिंता करेंगे, हाँ जो मरने वाले तो सो रहे और जो मरने नहीं वाले वो सो नहीं रहे, हैं बोले उठो जल्दी अभी बहुत जरूरी काम है, बोले क्या है, बोले पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाए और कल तुमको 5 खत्म कर देंगे, अच्छी बात है न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा कृष्ण का 5 भक्त थे और मारे गए, बोले यही तो चिंता है, हाँ यही तो चक्कर है मेरे भक्तों का विनाश नहीं, यही तो चक्कर है, इसलिए उठो अर्जुन, बोले क्या करना बताओ, बोले चलो मेरे साथ, बोले कहाँ, बोले दुर्योधन के पास में, बोले क्यों, बोले चलो तो मेरे साथ में, बोले तुम्हारा याद होगा जब तुम कांबे वन में थे कभी दुर्योधन शकुनी दुशासन तो और हमारे कर्ण मिल करके तुम अपमान करने के लिए आए थे, इतने में इंद्र ने गंधर्वों को भेज दिया, ये गंधर्व लोग तेरे को बांध करके ले जा रहे थे, इतने में किसने आकर के बोल दिया युधिष्ठिर महाराज को, उसको गंधर्व बांध कर ले जा रहे, फिर उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने ऐसे युद्ध किया गंधर्वों को परास्त कर दिया और गंधर्वों ने उसको आकाश में ही छोड़ करके चले गए, अभी गिरेगा तो बस खत्म हो जाएगा, इतने में अर्जुन ऐसे बाण मारे पूरा उसमें सीढ़ी बना दिया और दुर्योधन लुढ़कते 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 सीधा सी युधिष्ठिर महाराज के चरण में गिरे, उस समय दुर्योधन ने कहा अर्जुन अगर तू नहीं रखा करता ना तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता, जो आज तू मांगोगे मेरे समय सब कुछ देने के लिए तैयार है, बोले समय होगा तो मैं मांग लू आज जाओ, उनसे मांग करके बोले क्या लाओ, बोले उनका ड्रेस बोल लिया, हाँ वो ड्रेस से अपने आप पता चल जाता है, चलो ड्रेस ले आओ, जब ये दुर्योधन के पास में दुर्योधन तो घबरा गया, उनको पता पितामह भीष्म 5 बाण बनाए,
कल तो मारने वाले पांच बाण को द्वारा है, और लगता है ये पांच बाण तो मांगने के लिए नहीं आया, फिर तो गया सब गया साहब। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को केवल तुम्हारी ड्रेस दे दूंगा, बच गया ड्रेस तो ले जाओ, तो ड्रेस तो ले जाओ। लेकिन बोले ये ड्रेस पहन करके जाओ, पितामह भीष्म जब भजन करते हैं ना, जब भजन का समय में आग बंद कर भजन करते हैं, और अभी अंधकार रात्रि है, तुम जाओ जा करके और दुर्योधन की जैसे गला की ना ऐसे आवाज निकाल करके बोलो, पितामह भीष्म आप क्यों मारोगे, मारने पर वो भी तो आपके बच्चे है ना, है क्यों मारोगे, दुनिया निंदा करेगा, पितामह भीष्म ने मारे, ये पांच बाण मेरे को दे दो, मैं अपने हाथों से मार दूंगा। पितामह भीष्म तो मैं बच गया, अच्छा हो गया, भैया ले बाण तू ले। बस अर्जुन का ड्रेस था ना दुर्योधन का जैसे, बस उसने दुर्योधन आकर के बाण ले गया, मैं बच गया। थोड़ी देर बाद में आया दुर्योधन, दुर्योधन आया, पितामह भीष्म ने कहा तुम मेरे को बचा दिया। बोले किस चीज की? बोले अच्छा हुआ तुमने पांच बाण ले लिया, ये तो मेरे ऊपर दोष होता। बोले कब पांच बाण लिया? बोले अभी अभी आया था ना, तो अभी अभी तो लेकर गया। लो अर्जुन इसलिए मेरे ड्रेस लेकर के आ गया था। इसलिए यहाँ पर जो भक्त लोग का ना इतने विश्वास है, इतने विश्वास, इसलिए कहते विजय सखे रति मस्तु, जो अर्जुन का जो सखा कृष्ण उनके चरण में हमारी मती हो। बोले एक बार नहीं ना, एक बार नहीं, कितना बार भगवान ने ये पांडवों को, कितने बार उन्होंने पांडवों को बचाया। बोले और एक बार बचाया था मैं कैसे? बोले एक समय पितामह भीष्म को उन्होंने भी ऐसे दुर्योधन खूब गाली गलौज किए। बोले कल पांडवों को मैं खत्म कर दूंगा, पांडवों को खत्म कर दूंगा भाई, चिंता मत करो। और एक बार उनको ताव आ गया, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बोले देखो एक काम करके आना है, तुम ना मैं सबर जब भजन करके जब मैं उठता हूँ, हाँ पितामह भीष्म तुम अपना पत्नी को, हाँ उसका पत्नी का नाम क्या है, दुर्योधन का पत्नी का नाम भानुमती, बोले तो भानुमती को लेकर के आना, मैं उसका आशीर्वाद दे दूंगा, ये आशीर्वाद दे दूंगा, हाँ तुम्हारी जो सुहाग है कभी तुम्हारा सुहाग मिटेगी नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तुमको वरदान दे दूंगा। बात वो अगर अखंड सौभाग्यवती होगी पति कभी मरेगा नहीं। बोले ठीक है पितामह भीष्म, कल मैं पत्नी को लेकर आऊंगा एकदम सवेरे सवेरे। भगवान सब जानते हैं कहाँ क्या नहीं हो रहा है, हो रहा है। उन्होंने इंद्र को बोला इतने मुसलधार में बारिश करो, इतने जोर से बारिश करो, घर से कोई नहीं निकल पाए, इतने जोर से बारिश हुई। दुर्योधन ऐसा कोई बात नहीं, आज नहीं कल ले जाऊंगा, इतने जोर से बारिश हो रही है, घर से निकला नहीं जाता। कृष्ण आए और द्रौपदी को बोले चलो मेरे साथ। मैंने कहा इतनी बारिश हो रही, बोले बोलो मत, मेरे साथ में चलो तुम। उन्होंने द्रौपदी को लेकर गए, द्रौपदी को जो जूती था ना है? पता नहीं चल जाए, जूती से पता चल जाती ना किसका जूती है। कृष्ण कपड़े में लपेट कर अपने बगल में दबा दिया उसको जूती को। दखल बोले जा एक तो अंदर में जा, और वहाँ पर पितामह भीष्म और घूंघट ज्यादा रिचट उघाड़ दो, और जब उनको भजन खत्म होगा वह चुपचाप बैठ रहना, बात नहीं करना है, चुपचाप बैठ रहना। जब वो आशीर्वाद देंगे ना अखंड सौभाग्यवती भव, फिर अपना घूंघट को निकालना। हाँ बोले पितामह जब आपने ये वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती, में कब बनूंगा, जब मेरे पति जिंदा रहेंगे तभी तो बनूंगा है, फिर तुम ये बात को फिर बताना है। बस उसने ऐसे ही कर दिया, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। इतने बोले पितामह अब तो ये आशीर्वाद दिया उसको तो रक्षा करोगे ना। बोले तू कहाँ से आ गया, तू कहाँ से आ गई, मैं तो सोचता था भानुमती आई है, तू कहाँ से आ गई, तेरे साथ में कौन है। बोले वही छलिया है, वही छलिया है। बोले हमें तो यही सोच रहा हूँ साथ में आया कौन, लाया कौन, ये बात किसको पता है, हाँ किसको पता है। बोले बेटी कृष्ण की इच्छा के बगैर ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, कोई चिंता मत कर। इसलिए भगवान पता नहीं कितने बार जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, जब दुशासन वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश कर रहा था, अर्जुन का बाहु फड़क रहा था, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी और सर्वश्रेष्ठ भीम तो खड़े होकर के आप देखेंगे प्रतिज्ञा की आप परिसभा में तेरे जंघे को मैं तोड़ दूंगा, उसका जैसे बलवान कोई नहीं था गदा युद्ध में है, नकुल सहदेव का तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे, जब ये लोग सब फड़क रहे थे ना
युधिष्ठिर महाराज चुपचाप बैठो, हैं सहन शक्ति से बड़ा चीज जगत में कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठ कर देखो तो सही। प्रश्न है भरी सभा में किसी भी स्त्री की लाज लाज आ रही है वो तो चुपचाप कैसे बैठेगी, क्यों चुपचाप बैठेगी? कारण है उनको पूर्ण विश्वास है भगवान अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान मेरे को निश्चिंत रूप में रखा करेंगे ही, उनको पूर्ण विश्वास है क्योंकि हम सबके सब कृष्ण के ही भक्त, कृष्ण के चरणों में शरणागति, और कृष्ण हम सब पांच भाइयों को तो प्रेम करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? द्रौपदी को, अपना सखी कहते हैं, अपना सखी को जरूर कृष्ण रक्षा करेंगे, इसलिए उसको पूर्ण विश्वास था युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए बोले चुप बैठो देखो तो अंतिम समय तक क्या होता नहीं होता है, अंतिम समय तक देखो तो वास्तव द्रौपदी भगवान उतारे, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया लेकिन 10 गज साड़ी समाप्त नहीं है, 10 गज सारा दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी ना नारी बीच कोई साड़ी, इसलिए जो ये जो शरणागति है कहती इसमें क्या है भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, भक्तों का भगवान को तो पूर्ण विश्वास। अभी प्रश्न है, अभी यहाँ प्रश्न आता है अरे हमारी विश्वास क्यों नहीं होता, कभी होता ना हमारे विश्वास क्यों नहीं होता, बोले कारण है ये जो चीज है ना ये शरणागति को ऊपर निर्भर करता है, ये भक्ति को ऊपर निर्भर करता है, है? ये भक्ति को ऊपर निर्भर करता है, जो जिसका जितना भक्ति पुष्ट है, जिसको भक्ति जितना पुष्ट है, इसलिए बोले भक्ति परेशान भव विरक्त करने, उसमें कह रहे हैं जब भक्ति आप करोगे अपनी आप भगवत अनुभूति होगी, अगर सच हृदय से भक्ति किया आपको भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण विश्वास होगा, उसको बाद में फिर संसार वैराग्य, उदाहरण दिया तुष्टि पुष्टि खुदा निवृत्ति, जैसे आप भोजन करो, जब आप भोजन करोगे एक साथ में तीन चीजें होगी, जैसे पेट में भूख लग रहा है, जब एक रोटी का ग्रास लिया जितना परिमाण लिया ना पेट में उतना परिमाण तृप्त होता है, पेट भरता है, फिर दो ग्रास लिया उसके परिमाण में पेट भर जाता है, तीसरा ग्रास लिया उसको परिवार से पेट भर, चौथा ग्रास लिया, एक साथ में तीन चीज होता है, बोले क्या है? पहले तो तुष्टि मतलब तृप्त हो रहा है भूख लग रहा था, है? फिर खुदा निवृत्ति हो रहा है भूख खत्म हो रही है, फिर तुष्टि पुष्टि, फिर पुष्टि हो रहा है शरीर में ताकत आ रही, शरीर में ताकत आ, एक साथ में तीन काम होती है। उसी तरह हम जब भक्ति करेंगे ये जो चीज है ना जोर जबरदस्त चीज नहीं, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक रूप में ये चीज आती है, इसलिए जितना परिमाण से भक्ति करेंगे उतना परिमाण से हमें भगवत अनुभूति होगी, और जितने परिमाण हमें भगवत अनुभूति होगी और उतना परिमाण में भगवान के प्रति विश्वास आएगा। अभी हमारे विश्वास क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे भक्ति अभी इतना स्ट्रांग भक्ति नहीं है, हमारे भक्ति अभी इतने स्ट्रांग भक्ति नहीं, भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन हमारी विश्वास नहीं, हमारा भक्ति इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जीवन में कोई विपत्ति आ जाए ना फिर हम इसको पास में भागेंगे, उसके पास में भागते हैं, उसके पास में मदद मांगते, तू मदद कर, तू क्यों भगवान पर कभी मदद नहीं मांगते, कारण क्यों? बोले कारण पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए इसलिए एक बार द्रौपदी कृष्ण से बोले, बोले प्रभु आपको तो मैं बड़े देर से पुकार रही थी अब आने में लेट क्यों करती, अरे द्रौपदी तुम्हें सच दिल से एक बार मेरे को पुकार, प्रभु कैसे बता रहे, जब से मेरे को घर से खींचते हुए दुशासन ला रहा था मैं तभी से आपको पुकार रही थी, भगवान ने बोले द्रौपदी तुम सच सच बताओ झूठ मत कहो, बोले क्या, बोले जब दुशासन गया तुम्हारे पास में पहुंचा तो बड़े अकड़ रही थी, बोले ये मेरे क्या कर लेगा, मेरे पांच पांच पति है ना, ये मेरे क्या सर्वश्रेष्ठ गांडे भी धारी गदाधर ये क्या करेगा बिजड़े, लेकिन जब तुमको पकड़ करते ले आए द्रौपदी तभी तुमने बुला रही थी, मैंने आया था लेकिन आधा रास्ता में वापस आ गया, बोले क्यों, बोले मैंने देखा तू सोच रही हो वहां पर आकर खड़ी होकर सारे पांडवों की तरफ में देख रही थी, वो तो हार चुके थे, वो सर पर नीचा करके बैठे हुए थे, वो कुछ बोले ही नहीं, उसके बाद में तुमने सोचा यहाँ पर सबके समय हमारे पितामह बैठे हुए, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, मैं कुलवत हूँ उनके तरफ में देख रही थी मैं, और पास में आकर के फिर वापस गया, बोले क्यों, बोले तुम इनकी तरफ में देख रहे थे, ये शायद हमें
कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो भी कुछ बोल नहीं रहे थे। द्रौपदी एकदम पास में आकर तभी वापस आ गया। बोले क्यों? बोले ये लोग जब रक्षा नहीं किए फिर तुमने अपने कपड़े को पकड़ कर रख दी। बोले साधारण घर के थोड़ी हाँ यज्ञ से प्रकट हुई हूँ वीर रमणी। इसलिए खुद को खुद में बचा लूंगी, दांत को नीचे साड़ी दबा करके हाथ में पकड़ करके तुम खड़ी हुई थी। बोले द्रौपदी जब तुमको रक्षा कर सकते हो फिर मैं क्यों आता? इसलिए नहीं आया। लेकिन जब तुमने देखा हमें अपना पति भी रक्षा नहीं किए, गुरु वर्ग की रक्षा नहीं किए, खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हो, फिर दो हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन आए हैं। जब तुमने दोनों भुजाओं को उठाते हुए दोनों हाथ क्यों उठाते? बोले तेरे सिवाय जगत में हमारी कोई रक्षा करने वाले नहीं। तभी मैं स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया और दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी की कोई साड़ी। हाँ, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान की चरण में पूर्ण रूप में शरणागत होनी चाहिए, तभी भगवान हमें रक्षा करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं गुप्त रूपे है विश्वास, मतलब भगवान हमें अवश्य ही भगवान हमें रक्षा करे। गौर कल हम सुनेंगे भक्ति के अनुकूल ग्रहण करना और भक्ति के प्रतिकूल को त्याग देना, इसको ऊपर में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, कल हम ये चीज को कल सुनेंगे। गौर नहीं।